अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। रिपोर्ट की माने तो अजित पवार और अन्य विधायक पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक में शरद पवार द्वारा मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के फैसले से खफा थे। इसके अलावा अजित पवार शरद पवार द्वारा इस्तीफा वापस लिए जाने से भी नाराज चल रहे थे। जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तो अटकलें थी कि अजित पवार को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन जब शरद पवार ने फैसले का पार्टी में विरोध किया तो पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वहीं जब शरद पवार इस बात की जानकारी मीडिया को दे रहे थे तब भी अजित पवार वहां मौजूद नहीं थे। अजित पवार की नाराजगी की एक और वजह पार्टी संगठन में हुआ फेरबदल भी माना जा रहा है। शरद पवार ने 10 जून को बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों का प्रभार भी दिया था, जिसके बाद अजित पवार की नाराजगी की बात सामने आई थी। इधर शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार के आने से सरकार को फायदा होगा और राज्य तेज गति के साथ विकास करेगा। वहीं शिवसेना गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि उन्होंने शरद पवार से बात की है और उन्होंने कहा है कि वह मजबूत स्थिति में है और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। गौरतलब है कि अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में यह राजनीतिक फेरबदल को काफी मायने रखता है।